एक जून से जनजीवन को सामान्य बनाने और चरणबद्ध तरीके से अनलॉक करने के लिए मंत्री समूह की बैठक में विचार विमर्श हुआ। सोमवार को अनलॉक प्रक्रिया को जारी किया जाएगा। 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक के लिए मंत्री समूह की बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक में 50% सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति पर सहमति बनी। राजनीतिक और धार्मिक गैदरिंग बंद रखने की सहमति बनी। देव स्थान पर एक समय में पुजारी के अतिरिक्त 2 अन्य श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। मॉल टॉकीज फिलहाल बंद रहेंगे। बैठक में निर्माण कार्य और सर्विस प्रोवाइडर संबंधी गतिविधियां चालू रखने पर सहमति बनी। अनलॉक में हवाई यात्रा शुरू रहेगी। पंजीयन और एग्रीकल्चर कार्यालय खुले रहेंगे। शादी समारोह में दोनों पक्षों से 20-20 लोग शामिल हो सकेंगे। मृत्यु भोज में 20 की संख्या रहेगी। दाह संस्कार में 20 लोग रहेंगे। इस दौरान राज्यों की बॉर्डर पर सख्ती रहेगी, लेकिन आर्थिक गतिविधि चालू रहेंगे। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार मौजूद रहे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बैठक की अध्यक्षता की। एक अनलॉक के लिए जो समिति बनी थी उसकी बैठक आज हुई है, जिसमें वर्चुअल रूप से और एक्चुअल रूप से लगभग मंत्री शामिल हुए हैं। इसमें जो कोरोना कर्फ्यू की सुनियोजित रूप से चरणबद्ध प्रक्रिया है, उसके बारे में एक गाइडलाइन तय कर ली गई है। इस गाइडलाइन को माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आज हम डालेंगे। सोमवार को पुनः 11 बजे सभी अनलॉक प्रक्रिया के सम्मानित मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे और इसमें हम सोमवार को इसको अंतिम रूप देकर जारी करेंगे। एक अन्य बैठक जो हमारे जन जागरूकता और आवश्यक प्रचार प्रसार की समिति है उसकी भी हुई, इसमें भी वर्चुअल और एक्चुअल रूप से सम्मानित मंत्रीगण शामिल हुए हैं। इसमें भी मोटा मोटा तय किया है, जैसे बुंदेलखंड के लोग हैं तो बुंदेली भाषा में लोगों में जो भ्रम है उसे दूर करना, जागरूक करना वैक्सीन के प्रति भी, कोविड की सावधानियों के प्रति भी। हमारे मालवा की निवाड़ की अगर कोई भाषा है, हमारे जो जनजाति भाई हैं गौड़ भिलाला भील, इनकी भाषा में भी इस प्रचार प्रसार को उनके मन से भ्रम निकालने के लिए, जो भ्रम डालने का पाप कर रहे हैं उनके बारे में भी उन्हें जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार आज ही से प्रारंभ करने का तय किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।